जेल सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयास अब रंग ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कैदी विभिन्न कार्य कर खुद को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बुनकर के काम से लेकर ऊन, लकड़ी और बेकरी के उत्पाद कैदी जेल के अंदर तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए कैदी स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार के लिए पैसे भी भेज रहे हैं। कैदियों के उत्पादों को बेचने के लिए जेल विभाग ने कई काउंटर बनाए हैं। शिमला के गेटी थिएटर में विभिन्न उत्पादों की 4 दिवसीय प्रदर्शनी और बिक्री लगाई गई है, जिसको कैदियों के द्वारा बनाया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ डीजीपी संजय कुंडू ने किया और जो जेल में बंद कैदी हैं, उनके हुनर का इस्तेमाल किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 DG conferences में, डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके सामने ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और अभी भी चिंतन शिविर 27 और 28 तारीख को अक्टूबर में हुआ था सूरजकुंड में, वहां भी इसको एज बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बड़ी मतलब उनको अच्छा लगा और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स है बाकी जेलों में भी रेप्लिकेट करें। वहीं कैदियों का भी कहना है कि जेल के अंदर काम मिलने से सजा काटने के साथ साथ परिवार का भी गुजारा वो कर पा रहे हैं और इससे आने वाले दिनों में इनकी जिंदगी और बेहतर होगी। मेरी जिंदगी आने वाले अगर कल को मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी लाइफ इससे भी बहुत बेहतर तरीके से मैं बाहर अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। जो ये काम जब नहीं था तो हम अपने घर वालों को किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाते थे, जब से ये काम मिला है तो हम अपने परिवार को भी थोड़ा दे सकते हैं, बच्चों की भी स्कूलिंग वगैरह में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी बाहर जाके तो अगर कभी छूटेंगे तो देखेंगे, ये काम सीखा हुआ है तो सीखा हुआ काम तो करेंगे, अगर चल पड़ा तो अच्छी बात, नहीं तो थोड़ा जमीन भी है घर में, उसमें खेती बाड़ी कर लेंगे। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की 14 जेलों में 2500 के करीब कैदी इस तरह के रोजगार से जुड़े हैं, जो सजा काटने के साथ साथ परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। जेल विभाग की तरफ से जेलों में बंद कैदियों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है ताकि बंद कैदी अपने परिवार की भी सहायता कर सके। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।